नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। 5 अगस्त 2020 ये राम मंदिर का वो दिन है जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के करोड़ों भक्तों की, उसकी आस्था की, उसके विश्वास की, 500 साल के उस इतिहास की जिसमें कई मोड़ आए। हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 562 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे बाबरी मस्जिद को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियां से करें। अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे, हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक है, लेकिन हम छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंश राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर हमारे प्रभु श्री राम का जन्म भी हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामचरितमानस में अयोध्या की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए वीरान सी हो गई थी, लेकिन उनके जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। उसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी राजाओं की अगली 44 पीढ़ी तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा, जिसके बाद उसके आखिरी राजा बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। उसके करीब 100 साल बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यहाँ 84 स्तंभों वाला एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बाद समय समय पर अलग अलग राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। 11वीं सदी में कनौज नरेश जयचंद ने अयोध्या का कारोबार संभाला और तब उसने मंदिर की दीवार पर विक्रमादित्य का लिखा हुआ नाम मिटवा कर अपना नाम लिखवा दिया और फिर जयचंद पानीपत की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद भारत पर अलग अलग मुगलों ने आक्रमण किया, जिसमें काशी और मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की गई और पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ा गया। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में बसे राम मंदिर को तोड़ नहीं पाए। उसके बाद मुगलों ने अयोध्या में बसे राम मंदिर को तोड़ने के लिए कई अभियान चलाए, जैसे साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ दिया और उसी ढांचे के ऊपर मस्जिद को बनवा दिया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। फिर साल 1813 में पहली बार हिंदू समुदाय के लोगों ने यह दावा किया कि यह हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद में बने 3 गुंबद में से सबसे बड़े गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। उसके बाद साल 1853 में जहां मस्जिद थी वहां के आसपास कई स्थानों पर पहली बार सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। इसके बाद साल 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगवा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की अनुमति दी। फिर साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ, जब खुदाई के दौरान भगवान श्री राम की असली मूर्तियां मिली। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम खुद प्रकट हुए हैं, लेकिन मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश सुनाया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने इस आदेश को ठुकराया और कहा कि ऐसा हुआ तो दंगे और ज्यादा भड़क जाएंगे। और इसके बाद सरकार ने इसे एक विवादित ढांचा बताकर वहां ताला लगवा दिया। फिर साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुई, पहली रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत। फिर उसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने 3री अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कुछ पुरावे भी दिए और कहा कि ये हमारे राम लला की जमीन है, यहाँ मंदिर ही होना चाहिए। फिर साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित ढांचे का पजेशन और मूर्ति हटाने की मांग की, जिसके बाद साल 1984 में विवादित ढांचे पर मंदिर बनाने की मांग विश्व हिंदू परिषद ने की और साथ ही एक कमेटी भी बिठाई। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया और फिर 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे ने आग पकड़ ली, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2002 में अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ताओं की ट्रेन को गोधरा में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई और इससे पूरे गुजरात में दंगे हुए, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। जिसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थान को
सुन्नी वक्त बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश सुनाया, जिसको बाद में साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। उसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को कहा, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि विवादित ढांचे पर सिर्फ राम मंदिर ही बनना चाहिए क्योंकि यह हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। और फिर 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थ के लिए भेजा और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही करने को कहा। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थ पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ पैनल मामले में समाधान निकालने में विफल रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। और उसके बाद 25 मार्च 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला लकड़ी के टेंट से फाइबर के मॉडल में शिफ्ट हुए। फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आरएसएस के संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को अयोध्या आने का न्योता दिया और अयोध्या पहुंचकर हनुमान मठी में सबसे पहले पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया, जिसमें 8 से भी ज्यादा बड़ी नदियाँ, 3 समंदर और श्रीलंका के 16 स्थानों से पवित्र जल लाया गया, जिसमें मानसरोवर के जल का भी उपयोग किया गया था। और इस मंदिर की नींव रखने के लिए 2587 से ज्यादा जगहों की मिट्टी लाई गई थी, जिसमें यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान शामिल थे। अयोध्या का राम मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिर में से एक होगा, जिसको पूरी तरह से पत्थर से ही बनाया गया है और इसका डिजाइन चंद्रकांत संपूरा ने 1987 में तैयार किया था, जिसे एक नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम L&T कंपनी ने किया है। इस मंदिर के 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा गया है, जिसमें राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान राम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश किया गया है। आने वाली पीढ़ी इस कैप्सूल से हजारों साल बाद भी इस मंदिर के बारे में जान पाएंगी। भगवान श्री राम की मूर्ति को कर्नाटक के रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाई है। मंदिर के परिसर में एंटर करते ही आपको 125 से भी ज्यादा रामायण के विभिन्न प्रसंग देखने को मिलेंगे। तो आखिरकार 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला अपने घर अयोध्या आ रहे हैं। वैसे आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने कब जाने वाले हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है।